Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Asma Cooking and Vlogs। तो आज मैं बना रही हूँ मैखालिया। तो पहले हम मसाले भुनेंगे। मसालों में पहले मैं भून रही हूँ तिल, इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे। उसके बाद हम भुनेंगे खोपरा। देखिए हमारा खोपरा अच्छे से भुन गया है। अब हम भुनेंगे फल्ली थोड़ी सी। अब हम भुनेंगे धनिया। अब हम भुनेंगे जीरा 1 टीस्पून। चलिए मसाले हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसको ठंडा होने रख देते हैं। चलिए मैंने कुकर ले लिया है। कुकर में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है और अब हम बघारेंगे। तेल गरम हो रहा है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा 1 टेबलस्पून जीरा, राई और करी पत्ता। अच्छे से सॉटे करेंगे इसको। फ्लेम को हाई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून मिर्ची और 1/2 टीस्पून 1/4 टीस्पून हल्दी। मिक्स करेंगे क्योंकि हमने पहले से ही गोश्त को मैरिनेट करके रख दिया था 10 मिनट बिफोर नमक मिर्ची अदरक लहसुन लगा के। अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त। अच्छे से सॉटे करेंगे इसको। डालेंगे इसमें टमाटर, 4 से 5 टमाटर डालेंगे हमने कट करके। अच्छे से भूनेंगे गोश्त के साथ। अब हम डालेंगे इसमें 1 ग्लास पानी। टमाटे और गोश्त गलने के लिए अब लीड लगा देंगे। तब तक हम मसाले पीस लेंगे और इमली भिगा देंगे। अब हम भूनेंगे प्याज। मसाले तो भून लिए और प्याज भूनना था।
इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा, और थोड़ा तेल डाल के इसको भी अच्छे से भुनेंगे। तो लाल करेंगे प्याज को, तो चलिए हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, पिंकी ब्राउन। अब हम ये मसालों में ऐड कर देंगे इसको, इसको भी ठंडा कर लेंगे और उसके बाद ग्राइंड कर लेंगे सब मसाले। चलिए हमारे टमाटर गल चुके हैं और गोश्त भी गल चुका है, अब इसमें डालेंगे मसाले। तो अच्छे से भुनेंगे, इसमें डालेंगे करी पत्ता, हरी मिर्ची और कोथमीर। तो चलिए बन चुका है हमारा सालन।